मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ मास। प्रीवियस लेक्चर आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर क्या था, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ नंबर। हमने नंबर में सीखा था, क्या सीखा था, वन मोल कंटेन 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। ठीक, आज हम क्या सीखेंगे, आज हमें क्या पढ़ना, मास। तो आज हमारी बात किसकी होगी, मास की होगी। किसकी बात होगी, मास की। तो एक बात याद रखिए, वन मोल का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास / ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या बोल सकते हैं सीधी डेफिनेशन में बोल दे मोलर मास। क्या बोल दे सीधी डेफिनेशन में, मोलर मास। यानी एक मोल का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, मोलर मास के। अब याद है मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था वन दर्जन, एक दर्जन का एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था। अब भाई एक दर्जन है, एक दर्जन केलों का वेट अलग होगा, एक दर्जन संतरों का वेट अलग होगा, एक दर्जन पेन का वेट अलग होगा, सबके वेट अलग होंगे, लेकिन नंबर सबमें सेम रहेंगे। सारे मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं 6.022 × 10³, बट उनका जो मास होगा, यानी 6.022 × 10³ का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, आयन है तो आयनिक फॉर्मूलर मास होगा। ठीक है, इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक, इसी से रिलेटेड नोट कर लो, इसी से रिलेटेड ही हमने एक फॉर्मूला दे रहा है। क्या फॉर्मूला भी इसी तरह से हुआ, जैसे हमने उसका फॉर्मूला बनाया था ऐसे हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। क्या बना लिया, मोल इक्वल टू गिवन मास, जो भी मास देखा है गिवन मास, अपॉन क्या होगा, मोलर मास। और वो मोलर मास कौन कौन सा होता है, मैं लिख सकती हूँ, एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयनिक मास भी हो सकता है, फॉर्मूला मास भी हो सकता है, आयनिक मास भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इससे एक हमारी सीधी सीधी बात बन गई, क्या बन गई, कि वन मोल इक्वल टू 6.22 × 10³ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल का वेट किसके बराबर है, उसके मोलर मास, इसके मोलर मास के। जैसे अगर हमें कंपैरिजन करने को आ जाए, एक मोल में कितने पार्टिकल हम बताते लेते हैं, और हम कहेंगे इतने पार्टिकल का वेट तो मोलर मास है, अगर वन का पूछे तो मोलर मास डिवाइडेड बाई एन ए। एक और फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, अगर हमसे कोई पार्टिकल या नंबर पूछे तो एक और फॉर्मूला बन गया, मोलर मास डिवाइडेड इनटू एन ए। अगर मोलर मास दे रखा है, नंबर नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, मोलर मास डिवाइडेड इनटू एन ए, एक और फॉर्मूला बन गया। इसको एक चेन में कर लेते हैं ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन कर लो, नहीं पहले मैं मून की कराती हूँ फिर मैं कराती चेन को, कोई बात नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, मैं लिख दूँ कैलकुलेट, मैं इसे दो करूंगी बाकी क्या आप करेंगे, कैलकुलेट भी मोल कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ठीक, नंबर वन 4 ग्राम NaOH, सेकेंड 7 ग्राम नाइट्रोजन एथम, थर्ड 16 ग्राम ऑक्सीजन, फोर्थ 9 ग्राम H2O, फिफ्थ 88 ग्राम CO2। ठीक, इनको आपको कैलकुलेट करना है, मैं कुछ ही कराऊंगी बाकी आपको करेंगे। पहला तो ले लेते हैं नंबर वन, अगर आपसे कहा है मोल बता दे, तो पहले मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना दे रखा है NaOH का, 4, और NaOH का वेट देखो मैंने कल आपको निकालने के लिए दिए थे मोलर मास, अगर आपने निकाल लिए होंगे तो Na का होता है 23, कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 + 1 = मुझे तो याद था लेकिन आपके लिए 40, तो ये याद होने चाहिए, बार बार टाइम नहीं होगा पेपर करके कैलकुलेशन करें, कुछ कॉमन की तो आप याद कर लें, 1/10 यानी 0.1 मोल, ये यूनिट है MOL लिखते हैं मोल में, वैसे एक डेफिनेशन लिखी हो कि MOL लिखते हैं, ठीक है, पीछे यूनिट लगा के MOL लिख देते हैं। ठीक, अब इसको देखिए 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन
हाइड्रोजन एटम का है, एटम मींस अकेला एक एटम, तो एक एटम में कितने होते हैं 14 मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के, एन तो है, एन का कितना होता है 14, यानी 1/2.5। ठीक, सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट में आते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन। देखिए अगर ना ऑक्सीजन का एटम तो नहीं का, ऑक्सीजन तो हमें जनरली पता है किसमें मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है। ऑक्सीजन जनरली हमें कैसे मिलती है, O2 के फॉर्म में मिलती है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हम यहाँ कर लेंगे 16/32। याद रखिएगा हमने O2 लेंगे अगर ऑक्सीजन लिखा, अगर एटम लिखा होता, अगर क्या लेते ऑक्सीजन एटम लिखा होता तो हम खाली क्या लेते, वो लेते। ठीक, 32 1/2.5 मोल। और बचे हुए क्वेश्चंस आप आराम से खुद कर लेंगे या आपको खुद करना है। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब मैं वो जो मैं बनाना चाह रही थी वो लिख देती हूँ। देख लो कि आपका फोकस सही है या नहीं है। ठीक, अब हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इधर लिखते हैं मोल्स और यहाँ लिखते हैं मोलर मास। मास देखिए केमिस्ट्री में मास हो या वेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें एक ही है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल बनाने हैं, चलो पहले हम ऐसे करते हैं, अगर आपको मोल से क्या बनाने हैं, मोल दे रखे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे आप, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मोल से अगर आपको पार्टिकल्स बनाने हैं तो आपसे पूछा है कि एक मोल में इतने पार्टिकल है, तो आप ये बताइए 3 मोल में कितने होंगे, तो आप ये करेंगे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, इतनी बात है। और अगर आपको पार्टिकल से मोल बनाना है, आपको कहा 6.022 में है 1 मोल और आपसे कहा 3.011 × 10³ में कितने हैं, तो आप डिवाइड करेंगे, तो इसमें आप डिवाइड करेंगे Na से। पहली बात समझ में आई, अगर मोल से पार्टिकल्स बना रहे हैं तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे Na से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको पार्टिकल से मोल बनाने हैं तो Na से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगर आपको क्या दे रखा है, मोल दे रखा है और मास दे रखा होता है मोल्स बनाने, मास दे रखा है क्या करेंगे मोल्स बना ले, तो क्या करेंगे मोलर मास से क्या कर दो डिवाइड कर दो। करते हैं ना, अगर आपके पास भाई 4 ग्राम एनएच दे रखा होगा मोल बनाइए, तो किसे डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको मास को मोल्स दे रखे होगा मास बताइए, क्या बताइए मास बना रहे। अगर आपको दे रखा है 4 ग्राम एनएच, सॉरी 4 मोल एनएच का मास बताइए, तो क्या करेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दे रखा है 4 मोल्स NaOH का वेट बताओ, तो हमें पता है मोल्स यहाँ आ गए, वेट हमें निकालना है 40, कितना आ गया 80, तो क्या करा मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों में रिलेशन होंगे, अब इनकी बात करते हैं, इसके रिलेशन की और इसके क्या है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक, अगर आपको क्या देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे और आपको कहा है मास बताइए, क्या बताइए मास, इसको पहले समझते हैं। देखिए अगर आपको दे रखा है 3.011 × 10³ में आपको बताना है कितना मास होगा, तो आपको पता है 6.22 × 10³ में मोलर मास होता है, तो 6 पॉइंट में कितना होगा, क्या होगा 6 पॉइंट में मोलर मास से आप भाई उस मोलर मास होता है, तो इसको आप मास से डिवाइड करेंगे, इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा मोलर मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन। मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, किससे किससे डिवाइड कर दोगे एन से डिवाइड कर दोगे। नहीं यही बात समझ में, एक क्वेश्चन के फॉर्म में बता देते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा अच्छा समझ में। अगर कहीं दे रखा है आपके पास 12 × 0.224 × 10³ NaOH मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वेट ऑफ NaOH बताना है, क्या बताना है वेट ऑफ NaOH। अब आपको पता है 6.022, या तो पहले मोल बनाओ तो लंबा जाओ, इससे बेटर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 10³
जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मॉलिक्यूल्स सब चलो लिख देती हूँ, मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो कितना होता है, मोलर मास यानी 40, ठीक। तो 12 का कितना होगा, तो क्या करा आपने, क्या करा आपने, इसको मोलर मास से तो क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, और एनए से क्या करा, डिवाइड कर दिया। ये तो लिखा मैंने, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एनए से डिवाइड कर देंगे। कितनी बात समझ में आ गई। अब अगर उल्टा दे रखा है, अगर आपको मास दे रखा है, दे रखा 4 ग्राम एनएमएच में पार्टिकल्स बताइए, या मतलब मॉलिक्यूल्स बताइए, तो आपको आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे, आपको पता है इसका मोलर मास कितना होता है, 40 में 6.26 एनए लिखे थे डायरेक्टली, एनए पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको कितने देर के 4 में बताना है, तो 4 में क्या करोगे, एनए क्या करोगे, एनए मोलर मास से डिवाइड करोगे और एनए से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें क्या उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय किससे हो जाएगी, एनए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे हो जाएगी, मोलर मास। बस ये नोट कर लो सर, हम जो क्वेश्चन करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस आएगी। भाई आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल बनाओ, मोल से मास निकालो, ऐसे भी चल सकते हो, पर ये डायरेक्ट भी चल सकते हो। डायरेक्ट करना हमारे लिए पेपर के लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन कराती हूँ, मिक्सलेनियस क्वेश्चन कराती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं विंडो यूज कर, पहला क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट, पहले मोली निकालते हैं, कैलकुलेट दी मोली, ठीक। मैं लिख रही हूँ नंबर 1, नंबर 1 17 ग्राम अमोनिया, ठीक। नंबर 2 10 की पावर 23 ऑक्सीजन, थर्ड में लेती हूँ 3.011 × 10³ हाइड्रोजन एटम, नंबर फोर मॉलिक्यूल हो गया, मास दे दिया, बस क्या बताना, मोल्स बताना है, पार्टिकल्स होगी, दो चीजें होगी, और आप लिख सकते हैं 9 ग्राम, ठीक। तो मैं एक अब पार्टिकल किसी कोई दो चूज कर लेते हैं, एक्चुअली मैं एक पहला चूज कर लेती हूँ, थर्ड चूज कर लेती हूँ, बाकी आप निकाल लेंगे। फर्स्ट में क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपको मोल्स बताने हैं, तो इसके लिए सिंपल आपको मैंने बताया था, जब मोल्स वेट से मोल बनाना हो तो क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नहीं तो आप सिंपल अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं याद रहता वो टेक्निक, तो वन क्या होगा, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो याद ही रहेगा। तो मोल्स कितने होंगे, गिवन मास कितना होगा, 70, मोलर मास अमोनिया का मोलर मास होता है आपका, ये कहते हैं 70 ही होता है, कितना हो गया, हाइड्रोजन 40 प्लस 70 ही होता है, तो ये आ गया 1 मोल, कितना आ गया 1 मोल। अगर मैं आप ये वाला क्वेश्चन ले लूँ थर्ड नंबर का, तो आपको पता है क्या है, आपको मोल्स बताने हैं, आपको पता है 6 या एनए लिख कर लो, एनए ये बनता है, एनए पार्टिकल्स में होते हैं 1 मोल्स, तो 6.022 × 10³ में कितने होंगे, इसे क्या करो आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड बनाया था, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड टाइप पे लिखती हूँ। आप क्या करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। पार्टिकल्स में क्या करेंगे आप, देखिए पार्टिकल्स में कुछ नहीं करना आपको, अगर मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया है 6 मोल एसिटिक एसिड, ग्राम में नहीं है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड, सेकेंड मैंने दे दिया आपको 4.9 ग्राम ऑफ एस्ट्रेस, ठीक। भाई आपको पार्टिकल बताने हैं, या तो वेट दे रखा हो या मोल दे रखा हो, अब मैं आपको दे देती हूँ 5 मोल AlCl3, फोर्थ मैं आपको दे देती हूँ 6 मोल ऑफ CO, कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी इसमें से भी 2 ले सकते हैं, हम एक काम करते हैं पहले ले लेते हैं तीसरा लेते हैं, वैसे फर्स्ट की तरह 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड से नंबर ऑफ पार्टिकल बनाने हैं, ठीक।
अब आपको मैंने इसी का आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता है मोलर मास इक्वल टू होता है एनएच। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा 60। आप निकालेंगे निकाल के देखिए तो 60 ग्राम एसिटिक एसिड ये क्या है इसका मोलर मास 60 ग्राम एसिटिक एसिड में होते हैं एनए पार्टिकल। तो हमें कितने बताने 6 ग्राम में बताने तो एनए अपॉन 60 इंटू 6 वही कहा था मैंने एनए से मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये वैल्यू आपकी 6.022 × 10^23 और अगर 10 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 22। 10 ऊपर चला गया तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होते साथ ही क्या हो जाएगा 10^22। ठीक आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा ठीक। और मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ क्योंकि लाइट नहीं है ठीक। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है 5 मोल। भाई आपको ये तो बहुत ईजी है एक मोल में कितने होते हैं 6.22 5 में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अगर अभी आपने क्या करा कि एक मोल कर लिए क्या कर लिया आपने पार्टिकल्स कर लिए और अगला क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी दे दो ठीक। तो नंबर वन है इसमें नंबर वन है 3 मोल ऑफ वाटर ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 10^23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब तो समझ ही जाओगे मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ है थर्ड है आपका 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम ठीक। और फोर्थ है आपका कौन सा है आयन से है कोई 5 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एक तो हमने करा दीजिए 5 मोल तो Mg प्लस बात समझ में आई। तो आपको क्या निकालना है मास निकालना है तो आपको पता है एक मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है मोलर मास के। तो अब अगर हम इधर लें एक मोल H2O का मोलर मास कितना होगा 18 ग्राम तो 3 का कितना होगा 18 डिवाइड बाय क्या होगा आपने क्या करा इससे आपने डिवाइड कर दिया आराम से आ गया। किसे डिवाइड किया आपने अपने मोल से डिवाइड कर दिया आपका आंसर आ गया ठीक। अगला है आपका कौन सा अगला कोई भी अब आप कर सकते हैं एक बार करिएगा खुद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार वो चार्ट द्वारा बनाकर देख रही हूँ कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं हूँ मुझे याद नहीं आ रहा मुझे एक चीज मैं लिखना शायद भूल गई एक बार रिपीटली वो चार्ट बना लेते हैं। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर मोल्स पार्टिकल्स और मैंने क्या लिखा था यहाँ पर वो हो गया सकते हैं मास। मैंने इसमें बताया था अगर पार्टिकल से मोल बनाने हैं अगर मोल से क्या बनाने पार्टिकल तो क्या करते मैंने एनए से मल्टीप्लाई डिवाइड एनए तो कोई दिक्कत नहीं। मोल से मास बनाना है अगर क्या करना है मोल से मास बनाना है अगर आपको मोल दे रखे हैं और आपको बताना है कितना मास है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक। और अगर आपको मास दे रखा मोल्स बताने हैं तो मोलर मास से डिवाइड करके तो कोई दिक्कत नहीं वही ऐसे मुझे मैंने लिख दिया शायद जैसे लगा मैं छूट गया इसलिए मैं तो बता देती हूँ। अगर पार्टिकल से आपको मास बनाना है तो वही केस करेंगे जो हमने पहले दिया था सब लिख रखा वही सेम हो जाएगा ठीक। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। अब आपको प्रैक्टिस के लिए ये बेटा हो रखा था मुझे लगा मैंने नहीं करा है इसलिए मैंने दोबारा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं करके देखिए जैसे दिमाग तेज होता है पजल्स होते हैं ना ऐसे ही दिमाग तेज होता है। क्लास में अगर आपको होते तो हम पहले कई दिन तो यही क्वेश्चन कराते रहते आपको लेकिन बट अब आप घर पे पढ़ रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चन को। अगर एक बलून है उस बलून के अंदर है 7 मोल हीलियम गैस ठीक उसके बलून के अंदर है 20 मॉलिक्यूल्स 20 मॉलिक्यूल्स
ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक, और उसके अंदर है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन और पार्टिकल मास, और उसके अंदर है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। सब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ बलून्स, टोटल मॉलिक्यूल्स इन बलून्स, टोटल नंबर, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मास ऑफ बलून, ठीक है, ठीक, टोटल मास ऑफ बलून, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक तो ये बना के दे दिया मैंने, एक और बनाती हूँ, एक और ले लीजिए। इसके अंदर भी सब कुछ यही कैलकुलेट करना है। इसके अंदर आयंस है, इसके अंदर है मैग्नीशियम आयंस, कितने हैं 2 मोल्स, ठीक। इसके अंदर 10 ग्राम कैल्शियम आयंस, ओके, और इसके अंदर हो गए 3.011 × 10³ सोडियम आयंस, ठीक। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मास ऑफ आयन, नंबर वन पे कैलकुलेट करना है टोटल, टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करना है। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है मास हो गया मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ आयंस। चौथा आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पूरे दिन, 2 दिन काम दे दिया मैंने आपको, करिए। और बेटा एक जितनी अभी बहुत क्वेश्चंस और रह गए, उनमें बहुत क्वेश्चंस हैं मोल्स की, हम अगला वीडियो में बनाएंगे उसमें हम क्वेश्चंस ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रह गए हैं। अभी तो ये तो मैंने इसे जस्ट लिख कर दे दिए, फिर तो मैं आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी करूंगी। पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये मत समझिए आपको आता है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा कि टाइम बहुत था, क्लासेस लेट शुरू हुई, कर लिया होगा घर में आराम से, लेकिन करिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती ही होती है, करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे और इन सब के नोट्स की आप प्रॉपर नोट्स बनाए, इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कीजिए और उन सब की फोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना कर भेजिए मुझे, एक नहीं एक एक फोटो करके पीडीएफ फाइल बना के भेजिए। फर्स्ट पेज पे आपको क्या होना चाहिए याद रखिए, फर्स्ट पेज पे आपके, हाँ कुछ बच्चों ने कहा मैम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, देखिए अगर फ्रैक्शन ऐसा आ रहा है 49.9 तो आप 50 लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपका आ रहा है जैसे 35.5 तो फिर उसको 35.5 ही रखेंगे, वहां नहीं गलती करेंगे, ठीक। पहले पेज पे ही होगा, सेकंड पेज पर आपका जो केमिस्ट्री डेफिनेशंस वगैरह थे बीच में मैंने नोट्स भेजे थे ऐसा यूनिट्स वाले, वो आप करेंगे। इसके बाद मैंने कुछ कल आपको एटॉमिक मास निकालने को कहे थे, वो एटॉमिक मास आप एक साथ लिख लेंगे, उसके ऊपर एक आप हैंड डाल करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉलिकुलर मास एंड फॉर्मूलेस, तो आपको लिखते जाए जैसे NaOH, अब आपको याद हो जाना कि 40 H2O 498, HNO 363, NaCl 58.5, कैसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या बार बार थोड़ी याद करते रहोगे प्लस माइनस, और नहीं याद है वो तो अलग है प्लस माइनस करना, लेकिन जो याद कर सकते हैं वो तो हम कॉमनली याद कर लेना ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो। आपको पता होना चाहिए वाटर का 18 होता है, ठीक, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आप मोल कॉन्सेप्ट पर आएंगे, आपका पहला वीडियो जो था वो मोल कॉन्सेप्ट टर्म इन नंबर था, ये आपका इन टर्म मास हुआ, मैंने इसे कंपाइल कर दिया। अगला जो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा मास इन वॉल्यूम में बनेगा, फिर इसको हम उसके साथ भी कंपाइल कर देंगे, फिर तो आपके पास क्वेश्चन का एक लंबा चौड़ा भंडार हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरह से, खूब प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि बच्चा अगर आपकी इस चैप्टर और मोल्स वगैरह पे कमांड आ गई तो आपके लिए केमिस्ट्री क्या होगी बहुत सेट होने वाली है। जैसे बोलते हैं ना टाटा स्काई लगा लिया तो लाइक झिंगा लाला तो नहीं होगी, बट हाँ काफी ईजी हो जाएगी, एटलीस्ट आपको मोल निकालने आते होंगे। जब आप आगे 12th के चैप्टर करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगी।
तो तब तक ये क्वेश्चंस कीजिए एंड ओके बेटा ठीक है।